महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के डाबरी पीठे गली में स्थित नुपुरेश्वर महादेव 84 महादेवों में 47वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन काल में राथंतर कल्प में नुपुर नाम का शिवजी का एक गण था। वह पंच मुद्रा लगाया करता था। एक बार वह कुबेर की सभा में गया। वहां उर्वशी, रंभा, तिलोत्मा, मेनका आदि अप्सराएं नाच रही थी। वह काम पीड़ित होकर उनके बीच नाचने लगा। उसने उर्वशी की छाती पर फूलों का गुच्छा मार दिया। उर्वशी ने कुबेर से इसकी शिकायत की। कुबेर ने क्रुद्ध होकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। तब उसने मनसा देवी की स्तुति की। मनसा देवी ने प्रसन्न होकर उससे कहा, तुम महाकाल वन में जाओ। वहाँ प्राचीन सरस्वती नदी बावड़ी में स्थित है। उसके दक्षिण में एक शिवलिंग है। बावड़ी में नित्य प्रति स्नान कर उस लिंग की पूजा करो। तब वह नुपुर नामक गण महाकाल वन में आया। उसके इस बावड़ी में स्नान करने तथा इस लिंग की पूजा करने से शिवजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दिव्य शरीर दिया और उसकी मनोकामना पूर्ण की। यह लिंग नुपुरेश्वर कहलाया। जो मनुष्य इस बावड़ी में स्नान कर नुपुरेश्वर की पूजा करते हैं, उन्हें रोग शोक से मुक्ति मिलती है। इस बावड़ी को प्रयाग तीर्थ भी समझा जाता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इसमें स्नान कर नुपुरेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं, उनके 100 पुरु कुल तर जाते हैं। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।